फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जनसंख्या वृद्धि ये एक ऐसी समस्या है जो देश में लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, गरीबी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। सेव इंडिया जन फाउंडेशन लगातार एक मुहिम छेड़ रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए कि जनसंख्या नियंत्रण कितना ज्यादा जरूरी हो गया है और एक बार फिर हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर एक निवारण को लेकर सेव इंडिया जन फाउंडेशन रथ यात्रा निकालने जा रहा है आने वाली 2 अक्टूबर को। तो इस मौके पर हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है सेव इंडिया जन फाउंडेशन के संरक्षक डीवी जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि 2 अक्टूबर में जो सेव इंडिया जन फाउंडेशन रथ यात्रा निकाल रहा है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जागरूकता को लेकर, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएं। एक्चुअली पहले तो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी बता दूं आपको। ये फाउंडेशन बहुत दिनों से काम कर रही है, कई साल से ये लोग इसमें लगे हुए हैं और बार बार सेमिनार्स इन्होंने 89 के करीब सेमिनार्स अभी तक करी हैं। प्राइम मिनिस्टर को, पुतिन साहब को, ट्रंप साहब को कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ रहे हैं जहां पर ये मैसेजेस ना डाल रहे हों और इस समस्या के बारे में अवेयर करने के लिए पब्लिक में भी जितने तरीके हो सकते हैं वो सब ये सब कर रहे हैं। उसी कड़ी में इन्होंने घोषणा की थी बहुत पहले कि हम 2 अक्टूबर को एक रथ यात्रा निकालेंगे, तो ये रथ यात्रा उसी क्रम में होगी। जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात कर रहे हैं तो देश में ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके निवारण की जब हम बात करते हैं तो कई अवेयरनेस प्रोग्राम हर बार आते हैं, चले जाते हैं, लोग जागरूकता के लिए आगे भी बढ़ते हैं, रोड पर भी कई रैली निकाली जाती है, लेकिन क्या एक ऐसी वजह है कि एक जो एग्जैक्ट चेंज होता है कि वो कॉन्स्टेंट रहे, वो नहीं आ पा रहा? आएगा, क्योंकि जो अभी तक कार्यक्रम जो लोग करते हैं वो एक ऐसे छोटे अवधि के लिए करते हैं और कंसिस्टेंसी उनमें नहीं रहती। ये फाउंडेशन कंसिस्टेंसी के साथ चल रही हैं और इसी वजह से ये इफेक्टिव हो रहा है और इसका इम्पैक्ट आ रहा है। वैसे भी आप देखिए कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा की थी और ये वजह वही हैं। एक मैसेज कहीं ना कहीं से फीडबैक गवर्नमेंट को भी जाता है, जब लगातार कोई कार्यक्रम इस तरह के होते हैं तो भले ही उनका पब्लिक में उतना असर लंबा ना चलता हो लेकिन मैसेजेस जाते हैं एंड मैसेज रिमेन्स देयर, इट इज इम्प्रिंटेड, नो डाउट। अगर वापस प्रधानमंत्री के भाषण पर आए, उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि जो जनसंख्या वृद्धि है एक समस्या देश के लिए बन रही है और इससे क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज हमारे कम पड़ जाएंगे अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो अगर 2 अक्टूबर को जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है इसमें कितनी पब्लिक को आप टारगेट करने वाले हैं, क्या आपका जो प्रणाली होगी वो किस तरह की अपनाई जाएगी कि लोगों को जागरूक किया जाए? रिसोर्सेज पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। रिसोर्सेज की तो हालत ये हो गई है कि आज आपके पास सफिशियंट पानी नहीं, सफिशियंट हवा नहीं, सफिशियंट जंगल नहीं बचे, सफिशियंट नदियाँ नहीं बची, ग्लेशियर्स नहीं बच रहे, सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं और इन सब चीज़ों के प्रभावित होने का मतलब है कि आपके जीवन का जो स्तर है वो निश्चित रूप से प्रभावित होने वाला है। अब आपने पूछा है कि हम 2 अक्टूबर को क्या करने वाले हैं। 2 अक्टूबर का प्रोग्राम ये है कि सुबह 8 बजे हम यहाँ से कार रैली या वाहन रैली कह लें, उसमें सभी तरह के वाहन शामिल हो सकते हैं, बट कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कारें रहें ताकि लोग कंफर्टेबली यात्रा में शामिल हो सकें। और यहाँ से जाएंगे, प्रतापपुर रुकेंगे, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए कुछ ब्रेकफास्ट और कुछ ऐसे ये सब करते हुए, थोड़ा वहाँ संबोधन कुछ लोगों के करते हुए एक 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 पड़ाव पर जाएंगे, मोदी नगर जाएंगे, वहाँ कुछ लोगों ने जो हमारे मदद कर रहे हैं वो लोग स्वागत भी करेंगे और कुछ ब्रेकफास्ट है, कुछ लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था, एंटरटेनमेंट इस तरह का कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ होता रहेगा। एंड वी विल रीच देयर एट इन दिल्ली
रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। रामलीला मैदान में हम लोग वाहन छोड़ देंगे, वहां से हम लोग पैदल 1-1.5 किलोमीटर जितना भी है जंतर मंतर वहां तक हम लोग पैदल जाएंगे, अपने बैनर्स और फ्लैग्स लेकर के वहां हम सरकार के नुमाइंदों को ज्ञापन सौंपेंगे। सो दैट जो गवर्नमेंट की सोच है उसमें कुछ स्पीड और आ जाए, दिस इज द आइडिया। तो सेव इंडिया जन फाउंडेशन हमेशा से ना सिर्फ लोगों को जागरूक करता आया है, बल्कि उनका जो मेन उद्देश्य रहा है वो ये रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून आना चाहिए। तो 2 अक्टूबर को मेरठ से लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान तक एक यात्रा निकलने वाली है, क्या आपको उम्मीदें हैं कि कितना ज्यादा सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहने वाला है, और क्या जो अमेंडमेंट एक लॉ में आना चाहिए उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? हमारा डिस्टॉर्शन से हम बचते हुए चलेंगे, किसी भी प्रकार के ड्रिफ्ट होने की जो भी संभावनाएं रहती हैं उनसे बचते हुए हमारा एक बिल्कुल स्पष्ट टारगेट होगा। हम ये चाहते हैं कि एक जैसा कानून हो, सब लोग एक जैसे कानून में काम करें, और कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हों जिससे जनता अपने आप ही इस बात पर मजबूर हो जाए कि वो 2 या जो भी तय हो उतने बच्चे ही पैदा करें, उससे ज़्यादा यदि हो तो उनको सुविधाओं से वंचित करने का हो, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो डिटरेंट हो, ऐसे कानून में ऐसी चीज़ें आए, ये कानून होने के बजाय कि हम ऐसा कर देंगे और कुछ स्ट्रिंजेंट ना होने के बजाय वो कानून कुछ इस तरह के हों कि उनमें सुविधाओं की कमी करी जाए, सो दैट वो लोग ये सोच करके कि भाई ऐसा होगा तो ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये सुविधा नहीं मिलेगी, तो ये डिटरेंट का काम करे, और इस डिटरेंट की वजह से लोग उस पर आ जाएं जो हमारा टारगेट है कि जनसंख्या का नियंत्रण हो जाए। तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों से आप एक अपील करें, सेव इंडिया जन फाउंडेशन के संरक्षक होने के नाते आप उनसे अपील करें कि 2 अक्टूबर को जो ये रैली निकाली जा रही है, जो ये रथ यात्रा निकाली जा रही है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, ताकि कहते हैं कि लोग आते गए और कारवा बनता गया, तो कारवा ऐसे ही बनेगा जब लोग जुड़ेंगे, जितने लोग जुड़ेंगे उनसे चैन बनेगी और लोग उतने ही ज्यादा जागरूक होंगे। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात आपने सुझाई हमको, हम इसमें अपील तो कर ही रहे हैं, अपील करने के हमारे कई तरीक़ों से हम अपील कर रहे हैं। हम जो यात्रा निकालेंगे उसमें हम रथ ले जा रहे हैं, और हाँ हमारे 13 थीम है, 13 थीम है, और हर एक थीम का एक एक रथ है, उस थीम को ही उस रथ पर डिपिक्ट किया जाएगा, और उसके माध्यम से हर एक रथ हमारा एक अपील करता हुआ दिखेगा, हर एक रथ से अपील एमिट होगी, बाहर जाएगी। कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इतिहास में शायद पहली बार ऐसा होगा कि 12-13 रथ निकाले जाएंगे, एक एक रथ पर एक एक मैसेज होगा, क्योंकि जनसंख्या से जितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, हाँ। बेरोजगारी है, गरीबी है, लोगों को कई परेशानियां, पानी की समस्या, हर चीज कम होती जा रही है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर इस तरीके से जनसंख्या में वृद्धि होती गई तो आगे आने वाले समय में आपकी आने वाली जनरेशन को सांस लेना भी दूभर हो सकता है। तो ये जो प्रोग्राम आप बता रहे हैं सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, मैं कह सकती हूँ कि दिखने में भी उतना अच्छा लगेगा, और सफल तब होगा जब आप सब लोग सेव इंडिया जन फाउंडेशन के साथ जुड़ेंगे, इस मुहिम में साथ देंगे। बाकी सर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, मैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में था, मध्य प्रदेश काडर में, फॉरेस्ट एक बहुत बड़े रिसोर्स के रूप में माना जाता है, और फॉरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अभी आप देख रहे हैं हमारा तो डिपार्टमेंट का ही नाम है, क्लाइमेट चेंज भी उसमें है, एनवायरनमेंट भी उसमें है, तो जो सब्जेक्ट जहां से हम इतनी लंबी नौकरी किए वहां हम यही सब देखते रहे कि रिसोर्सेज कैसे कम हो रहे हैं, क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को हमने क्योंकि बहुत करीबी से देखा है। और अब मैं इस आपके इस हाँ के इस माध्यम से
भी मैं अपील करता हूं जनता तक मेरी आवाज़ जाए और हमारे इस मैं 2006 में रिटायर हुआ, उसके रिटायरमेंट के बाद भी हम इसमें सिर्फ इसीलिए लगे हैं ताकि लोगों को ये लगे कि ये निश्चित रूप से एक बहुत इम्पोर्टेंट आइटम है और कार्यक्रम है, इसमें सब लोग लगें। अपील है हमारी और 2 अक्टूबर को हमारा साथ दें सब लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं वो हमारे साथ चलें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगी सर आपका अपना कीमती समय देने के लिए और लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि वाकई जनसंख्या वृद्धि जो है हमारे देश के लिए एक बड़ी समस्या है और इसके निवारण के लिए लगातार मुहिम छेड़ी जा रही है, जागरूकता के लिए नए नए प्रोग्राम लाए जा रहे हैं, आप लोग भी जुड़िए, साथ दीजिए और ये जो समस्या है जिससे देश इस वक्त सफर कर रहा है उन सबका निवारण निकालने के लिए आप लोग साथ देंगे तो जरूर ये प्रोग्राम सफल होंगे। एक बार फिर से धन्यवाद सर टाइम देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे और बड़ी शख्सियत के साथ एक और नई परेशानी का हल ढूंढते हुए आपके पास। नमस्कार।